अभी बज गए सुबह के 8 और अभी टाइम हो गया चेकआउट करने का। और कल हमने देखा था पूरी जगन्नाथपुरी भगवान का मंदिर, और अभी हम जाएंगे कोणार्क, वहाँ पे सूर्य भगवान का मंदिर देखेंगे। और अभी देखते हैं नीचे जाके ऑटो लेके जाएंगे या बस में जाएंगे, क्या सीन रहेगा, कहाँ से क्या मिलेगा, वो नीचे जाके एक बार पूछ लेंगे। और सामान हो गया हमारा, सामान तो क्या ही था, बस ये 2 बैग हैं, एक उन्होंने ले रखा है, ये होगी रेडी। हाँ, चला बच्चे कहाँ गए, ये दोनों भी रेडी हो गए हैं, तो चलो अभी चलते हैं। चलो चलो टच करेगी। ये फाइनली हो गया है हमारा चेकआउट, और अभी जाएंगे हम ऑटो देखने, इधर ऑटो देखने क्या जाएंगे, ऑटो पकड़ेंगे इधर से, पर देखते हैं कहाँ तक का मिलता है, बस स्टैंड जाएंगे या फिर डायरेक्ट उधर सन टेम्पल लेके जाएंगे ऑटो को, एक बार इनसे पूछ लेते हैं। ये है मेन रोड, इधर बाहर निकलते ही इधर ऑटो भी खड़े हैं, चलो इनसे बात करते हैं। पहले कुछ खिला दे, हाँ खिला पिला दे, मैं खिला दूँ आज, खिला दूँ, देख ले कल डिनर करवाने के लिए लेके आया था, तो कर ये पता नहीं कैसे क्या बनाते हैं, कैसे बर्तन है, ये कैसा होटल है, दम बिरयानी खा लो, दे पीछे दम बिरयानी। ये वाला होटल था हमारा, सामने बस खड़ी थी और इसमें आ गई बिल्कुल सीट, कुछ ज्यादा खास भीड़ है नहीं इसमें, ब्रेकफास्ट आया है, ब्रेकफास्ट का टाइम ये लगा, ब्रेकफास्ट में खाजा ही खाना पड़ा बाद में। पहले तो सोच रहे थे वहां जाके ब्रेकफास्ट कर लेंगे बस स्टैंड पे, तब तक बस नहीं चलेगी, लेकिन जाते ही बस मिल गई तो फिर ब्रेकफास्ट का टाइम मिला ही नहीं। फाइनली कोणार्क पहुंच गए हैं, तो पहले कर लेते ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट हमने ऑर्डर कर लिया है, ब्रेकफास्ट में ले लिया है मसाला डोसा और इडली, मेरा इडली खाने का मन था और मंजी का मसाला डोसा। और अंशा से पूछ लेते हैं, अंशा क्या खाएगी अभी, डोसा खाएगी, चलो क्या खाएगी, अनी क्या खाएगी, अनी रूठ गई है, अभी नहीं कुछ नहीं खाना चाहती अभी, अनी बड़ी जल्दी रूठ जाती है अभी, खाना वैसे बड़ा टेस्टी है, बड़ा ही यम्मी लगा मेरे को तो, मसाला डोसा भी टेस्टी है और इडली भी बड़ी टेस्टी थी, और अंशा ने भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया खाने को लेके। और अभी भीड़ भी काफ़ी हो गई इधर, तब हम आए तब इतना ज़्यादा नहीं था, अनी ने भी पानी पी के अपना खाना वाना फिनिश कर लिया है, चलो अभी चलेंगे। हा? कैसे बोला था पीछे, हीरे खीरे बेच रहा था वो, और ऐसे बोला था ई रे, अंशा हेलो, वैसे तो सब ठीक है लेकिन भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा है, तो फाइनली हम आ गए हैं, खाना वाना खा के फिर उधर से ज़्यादा दूर नहीं था, एक 400-500 मीटर ही है मंदिर, और ये देखो ये है कोणार्क का सूर्य मंदिर, 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव बोर्ड लगा रखे हैं, टिकट लगती हैं, एडल्ट का 40 रुपया, 15 साल से नीचे के बच्चे फ्री हैं। हाँ
अभी हम आ गए हैं मंदिर के प्रांगण में, और मंदिर के सबसे आगे ये दो शेर हैं जो यहाँ पे पहरेदार बैठे हैं, और यहाँ से और आगे जाके फिर दिखता है सूर्य मंदिर पूरा। इस मंदिर का निर्माण गंगवंश के राजा सूर्यदेव ने करवाया था और 1250 ईस्वी में जाकर इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। यह मंदिर बलुआ पत्थरों से, लाल रंग के बलुआ पत्थरों से बना हुआ है और इसमें काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर का भी प्रयोग किया गया है। बहुत ही भव्य कलाकृतियों के साथ यह मंदिर का निर्माण किया गया है और इसको तकरीबन 750 वर्ष पहले बनाया गया था और सन 1984 में जाके यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया था। कोणार्क में स्थित यह मंदिर पुरी से लगभग 35 किलोमीटर दूर है और भुवनेश्वर से इसकी दूरी 65 किलोमीटर पड़ती है। मंदिर के दोनों तरफ अब तो सुंदर बगीचों का निर्माण करा दिया गया है, लेकिन उस समय में ये बगीचे शायद ना हुआ करते थे और छोटी छोटी मूर्तियां और कितनी बारीकी से जो काम किया गया है, अभी तो काफ़ी समय हो गया है जिसके कारण कुछ मूर्तियां टूट भी गई हैं और मंदिर के ऊपर का हिस्सा भी टूट के नीचे गिर गया है। इस मंदिर के तीन गेट हैं, एक सामने की तरफ और एक बाएं और एक दाएं। तीनों गेटों को अभी बंद कर दिया गया है ताकि इसके अंदर कोई ना जा सके और उसको क्षति ना पहुँचे। भगवान सूर्य का ये मंदिर रथ के आकार का बनाया गया है और इस रथ रूपी मंदिर में कुल मिला के 24 पहिए लगाए गए हैं, 12 एक तरफ और 12 दूसरी तरफ। ये पहिए साल के 12 महीने और एक महीने के दो पक्ष, इसलिए 12×2 24 पक्ष के रूप में इनको दर्शाया गया है। सन टेम्पल देख के आ गए हैं, अभी फिर से पूरी जा रहे हैं और लकीली वही बस मिल गई हम लोगों को जिससे हम लोग आए थे, और ये फर्स्ट वाली सीट मिल गई। मंदिर अच्छा था पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बच्चे भी परेशान हो गए हैं गर्मी से। अभी लेमन जूस पिया है, अभी ये बच्चे कुछ ऑरेंज जूस पी रहे हैं, हमने आइसक्रीम खाई है। अभी इतनी तेज़ धूप, इतनी गर्मी तो कहीं भी नहीं देखी इधर, इतनी पता नहीं कैसे लोग रहते हैं उड़ीसा में, पर वो हैबिचुअल हो जाते होंगे इधर के क्लाइमेट से। ह्यूमिडिटी ज़्यादा है ना, उसके कारण ज़्यादा वो लगता है। कंटिन्यूस स्वेटिंग हो रही है, मतलब बाहर पसीना रुक ही नहीं रहा। अभी जाएंगे पूरी उधर से फिर रेलवे स्टेशन पे, और हम लोगों की ट्रेन है शाम को 7 बजे की, तब तक उधर ही वेट करना पड़ेगा हमें। तो चलो चलते हैं, अभी बस चली नहीं है, अभी इधर ही खड़ी है, ये प्राइवेट बस है। 7 बजे की ट्रेन, शायद 6 बजे की है क्या? अंशा को लग गई थी चोट थोड़ा, और ये अभी ऐसे कुछ खा लेती है फिर से इसको चोट याद आ जाती है, खाती है तब तो कुछ नहीं याद आती, लेकिन फिर थोड़ा रेस्ट मिलता है इसको फिर से चोट याद आ जाती है। और ये अनवी, ये देखो अनवी ने क्या लिया है, ये वाली माला ली है क्या? अनवी ने कई माला ली है, ये देखो ये वाली तो अनी घर से लेके आई थी, ये वाली तो अनी अयोध्या से लेके आई थी, और ये वाली तो अनी ने सन टेम्पल से ली है। हाँ ये वाली तो घर से ली थी। हाँ और ये अंशा ने भी अपनी माला पहनी है। तो अभी हमारी बस भी चल पड़ी है, तो चलो चलते हैं। बाद में फिर अच्छी नहीं लगेगी। घर से 1 घंटे के आसपास ही लगेगा स्टेशन तक पहुंचने का।